नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। अस्थमा को ठीक करती है हरी मिर्च, ऐसे करें सेवन। छोटी सी दिखने वाली हरी मिर्च खाने में तीखी और चटपटा लगती है, लेकिन आपको बता दें कि तीखी मिर्ची आपकी सेहत का ख्याल भी रखती है। हालांकि अधिक मिर्च खाने से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन सीमित मात्रा में इसका अगर सेवन किया जाए तो ये बहुत फायदे देती है। हरी मिर्च बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर से दूर करती है, हमारे शरीर का बचाव करने में सक्षम होती है। कहीं ना कहीं एक दवा के रूप में काम करती है हरी मिर्च। हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है हरी मिर्च। चलिए जानते हैं इसके फायदे। अस्थमा के पेशेंट अगर हैं तो आपके लिए हरी मिर्च का सेवन फायदेमंद होता है। लगातार आप 10 दिनों तक नियमित रूप से शहद और हरी मिर्च को पानी के साथ खाएं, आपकी अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाएगी। रोजाना हरी मिर्च खाने से फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना खत्म होती है। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो नियमित रूप से हरी मिर्च का सेवन करें, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। हरी मिर्च हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को होने से बचाती है, यानी इन्फेक्शन से बचाती है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होने के कारण ये हमारे शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करती है। तो हरी मिर्च से जुड़े फायदे जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।